ब्राह्मण 125 नंबर जब लाता है तब आईएएस बनता है, इनकी तरह 80 नंबर में आईएएस नहीं बनता है। और जिन्ना वाली आजादी चाहिए, अरे मैं कह रहा हूँ अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो क्लियर बोल के कहें कि मेरे को एक और पाकिस्तान चाहिए। जब तक इस तरह का राग नहीं आ गया तो उसको मुसलमान का वोट मिलेगा कैसे? इसलिए मुसलमान को वोट लेने के लिए इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। इन लोगों को भी वहीं भेजना चाहिए जहाँ पे जिन्ना का फोटो लगा हुआ है, जहाँ पे उनकी समाधि बना है उनको भी वहीं भेजना चाहिए। जातिवाद ब्राह्मण को, जब ब्राह्मण हमारे भारत का है तो उसको कसाई कैसे बता रहे हैं ये लोग? जिनको ऐसा लग रहा है वो देश छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं, रह क्यों रहे हैं जब उन्हें इतनी पार्शियलिटी लग रही है? अगर जाओ ना एक बार पाकिस्तान और बोल के दिखाओ पाकिस्तान मुर्दाबाद। जहाँ जिन्ना गए थे वहीं चले जाए। दिल्ली के साइना बाग में सीए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट चलता है और प्रोटेस्ट में आजादी के नारे लगाए जाते हैं और उसी आजादी के नारे में एक नारा आता है जिसमें कहते हैं हमें चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी। आखिर सीए के मुद्दे में ये आजादी जिन्ना वाली कहां से आ जाती है? और ऐसा ही कुछ प्रोटेस्ट दिखता है दिल्ली में, जहां पोस्टर दिखाई देते हैं वहां दिखाई देता है रिक्शे पे, वहां लिखा होता है कि मुसलमान हमारा भाई है, ब्राह्मण साला कसाई है। आखिर सीए के प्रोटेस्ट में ब्राह्मण कहां से आ गया, मुसलमान कहां से आ गया और जिन्ना वाली आज़ादी कहां से आ गई? क्या ये सीए का विरोध है या ये देश विरोध चल रहा है इस देश में? जानेंगे जनता किस तरीके से देखते इस मुद्दे को। सर जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है ये टोटली देश विरोध की बात है। ये सोच रहे हैं कि जैसे इन्होंने पहले पाकिस्तान बनाया नफरत के बेस पे, अब ये फिर दोबारा से पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये खुद हमारे अंदर जहर घोलना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि शांति 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 का पाठ पढ़ो। ऐसा क्यों? एक चीज़ मुझे बताइए कि सीए जो है, सीए तो इंडियन नागरिकता के ऊपर अप्लीकेबल होते नहीं, जो भी इंडियन रेजिडेंस है उनके ऊपर अप्लीकेबल है ही नहीं, वो सिर्फ उनके लिए है जो बाहर के विदेशी नागरिक है। वो विदेशी नागरिक को जो तीन कंट्रीज़ के, और वो जिनको जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन मतलब जिनको जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन करवाया जा रहा है और वो हाँ जो सवाल ये उठता है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है, सीए को लेके प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, गृह मंत्री बोल चुके हैं, मगर सीए का ब्राह्मण से लेना क्या है? जो वो कह रहे हैं कि मुसलमान हमारा भाई है, ब्राह्मण साला कसाई है, ये किस तरीके का शब्दों का प्रयोग हो रहा है? इनका तो ये कह रहा है कि भैया हम कुछ भी बोले हम ही सच्चे हैं और ये खुद जो है हिंदू विरोध के चक्कर में कुछ भी बोलने को तैयार है, ये कुछ भी करने को तैयार है। ये चाहते हैं सबसे पहले तो पहले हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटना शुरू कर देंगे, तभी कहेंगे दलित हिंदू नहीं है, फिर कहेंगे ब्राह्मण ब्राह्मण तो हमेशा से ही कसाई है। मतलब ब्राह्मण जो था उसका जो काम है शिक्षा देना, वो कसाई कहाँ से हो गया? मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आ रहा। ये दूसरी चीज़ ये कि ये खुद जो है धर्म के नाम पे जो है लोगों के अंदर घृणा भर रहे हैं, धार्मिक घृणा खुद भर रहे हैं ये लोग। देखो ये दंगा करने के चक्कर में दंगे कोई, ये सब जो नारा जो कांग्रेस के या ये जो आपको आम आदमी पार्टी के यही लोग है, यही लोग दे रहे हैं, समझे ना। इस मुख्य कारण ये मुस्लिम वोट जो है ताकि मुझे पूरा प्राप्त हो जी। क्यों जिन्ना वाली आज़ादी मांग रहे हैं? ये जिन्ना वाली आज़ादी से मतलब क्या है? इसलिए ये मैं जिन्ना वाली, अरे भैया ये जब तक इस तरह का राग नहीं आ पाएगा तो उसको मुसलमान का वोट मिलेगा कैसे? इसलिए मुसलमान का वोट लेने के लिए इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। जिन्ना वाली आजादी मांग, देखिए आपको कौन सी आजादी चाहिए? हम तो 370 की आजादी भी दे चुके हैं इनको अपने शरीर से, 370 का भी आजादी दे चुके हैं, और कौन सी आजादी चाहिए? वहां जेएनयू में देश विरोधी नारे लगते हैं, आतंकवादी का नारे लगते हैं, अफजल तेरा कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, भारत माता की 100 टुकड़े हो, देश के गद्दार वहां बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जो देश के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सवाल ये है सीए के विरोध में ब्राह्मण कहां से आ जाता है और जिन्ना वाली आजादी कहां से आ जाती है? देखिए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस, लेफ्ट लेफ्ट, और साथ में रोटी सेकने का काम कर रहा है केजरीवाल एंड कंपनी। वेरी गुड। दंगा कहां हो रहा है? दंगा जहां हो रहा है कांग्रेस दंगा करा रहा है, उसमें आग डाल आग में घी डालने का काम कर रहा है केजरीवाल एंड कंपनी। इनको फंडिंग हो रहा है आईएसआई से। ये जो ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं ना, इनकी इसलिए जलती है ब्राह्मणों से, सुन जी गार्ड, अरे क्या ब्राह्मणों से इसकी इसलिए जलती है फटती है। ब्राह्मण 125 नंबर जब लाता है तब आईएएस बनता है, इनकी तरह 80 नंबर में आईएएस नहीं बनता है। ये ब्राह्मणों को क्या बताएंगे? ये ब्राह्मण जब जिद पे अड़ते हैं ना तो शंकर भगवान को डायरेक्ट पृथ्वी पे ले आते हैं, और ब्राह्मण जब गुस्से में आते हैं ना तो जो इस धरती का रखवाला होता है ना क्षत्रिय, उनको 21 बार नाश कर देते हैं। और ये ब्राह्मण को मत सुलगाना,
ब्राह्मण जब तप करने बैठते हैं ना तो ब्रह्मांड को हिला देते हैं। इन लोगों को बोलो ब्राह्मण के ऊपर तुम जिस जात धर्म के हो उसमें रहो, ब्राह्मणों के ऊपर कभी भी उंगली मत उठाना, क्योंकि ब्राह्मण किसी का कुछ नहीं करता, सब अपनी जात धर्म में रहो और जिन्ना वाली आजादी चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो क्लियर बोल के कहें कि मेरे को एक और पाकिस्तान चाहिए तो इनको वैसे जिन्ना वाली आजादी, ये जिन्ना वाली आजादी वही तो कह रहा हूँ, इनकी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो ये क्लियर बोले कि जिन्ना नहीं, क्लियर बोले जिन्ना बोले कि मेरे को पाकिस्तान चाहिए, ये क्लियर बोले कि मेरे को मुस्लिम कंट्री चाहिए तो फिर इनको देते हैं मुस्लिम कंट्री और इनको ऐसा कंट्री देंगे जो रावण का भाई आई रावण पताल में था ना उसको इनको वहाँ भेज देंगे सीधी सीधी। जी सर, सीए के विरोध में ब्राह्मणवाद कहाँ से आया था सर? ब्राह्मण साला कसाई है, ये किस तरीके के शब्द है सर? मुसलमान हमारा भाई है, ब्राह्मण साला कसाई है? नहीं, ये तो कोई वो नहीं बनता कि ब्राह्मण गलत है, सबसे बड़ा गलत यही है, यही जातिवाद कर रहे हैं जो ये लोग कह रहे हैं, वही जातिवाद कर रहे हैं और ये अराजकता फैला रहे हैं हमारे इस सिटी में, है ना। वो जिन्ना वाली आजादी मांग रहे हैं सर, सीए के विरोध में जिन्ना वाली आजादी। अगर उन्हें जिन्ना वाली आजादी चाहिए तो वो वहीं चले जाए ना जहाँ से आए हैं, चले जाए वहीं पे जहाँ से आए हो, जहाँ जिन्ना गए थे वहीं चले जाए हो। सर ब्राह्मण कसाई हो गया है सर, मुसलमान भाई है ब्राह्मण साला कसाई है, ये किस तरीके के शब्द हैं और सीए में इन शब्दों का क्या काम है? इन सब का तो बस वही हो गया ना, बांटो फूट करो राज करो, जैसे जिन्ना जी करके चले गए, जिन्ना यहाँ से करके चले गए, अब इन लोगों को भी साथ रहा चाह कि हम लोग भी चले जाए यहाँ से, इन लोगों को भी वहीं भेजना चाहिए जहाँ पे जिन्ना का फोटो लगा हुआ है, जहाँ पे उनकी समाधि बना है उनको भी वहीं भेजना चाहिए। जातिवाद ब्राह्मण को, जब ब्राह्मण हमारे भारत का है तो उसको कसाई कैसे बता रहे हैं ये लोग? कसाई तो खुद हैं जो कि हमारे सीए के विरोध में इन सब चीजों का क्या काम है सर? आप प्रोटेस्ट करते हैं, इसका आखिर मतलब क्या बनता है? इसमें ब्राह्मण का जाना, जिन्ना की आजादी, हिंदुत्व का कब्र खुद जाना, ये सब चीजें क्यों आती हैं सीए के? इसलिए आते हैं कि क्योंकि इसके साथ लेफ्ट लगा हुआ है, कांग्रेस लगा है, जो इसमें अंदर घी डालने का कार्य कर रहा है ये, और घी डाल करके उसको और पनकाते हैं कि आप ऐसा बोलो कि ऐसा हमारे अंदर सब में फूट पड़ जाए और हम आगे बढ़ जाए। क्या जातिवादी घृणा भरने की कोशिश हो रही है सर? एक सेकेंड, सबसे पहले मैं फर्स्ट ब्राह्मण हूँ, सबसे पहले मेरा धर्म नहीं कुछ है, कुछ मायने सबसे पहले मेरा राष्ट्र है। और रही बात ब्राह्मण है परशुराम के वंशज तो हम लोग हैं, और एक मायने में कसाई भी हैं, जिस दिन सन की उस दिन तो कसाई बन ही जाएंगे हम लोग, आज़ादी मिल जाएगी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी मिल जाएगी, हिंदुत्व से आज़ादी मिल जाएगी, इस कंट्री से ही आज़ादी मिल जाएगी उनको। मगर सर सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब चीज़ों में ये चीज़ें क्यों लाई जाती हैं? आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप विरोध प्रदर्शन में हिंदुत्व की कब्र खोदते हैं, ब्राह्मण को कसाई बोल देते हैं, और उसके बाद जिन्ना वाली आज़ादी क्यों मांगते हैं? गलती हमारी है कि हम लोग, हमारा जो समाज है ना हर पार्ट में बटा हुआ है, गलती हमारी है कि हम लोग बट जाते हैं, जिस दिन हम लोग एक हो गए किसी की दाल नहीं गलेगी, किसी की दाल नहीं गली। सर आप किस तरीके से देखते हैं सर ये क्यों प्रोटेस्ट में ये सारी चीजें? सबसे पहली बात ये है कि जो लोग, मेरा नाम सतीश कुमार हुआ, सबसे पहले जो ये प्रोटेस्ट में आए हुए हैं इनको सबसे पहले CAA का मीनिंग ही नहीं पता है, इनके पीछे जो लगे हुए हैं ये सिर्फ इन्हें भड़काने का काम करते हैं। अगर जितने भी यहाँ पे मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय सारे अगर एक हो जाएं तो किसी भी नेता की दाल नहीं गलेगी। सवाल ये नहीं है सर, प्रोटेस्ट का आपको अधिकार है, आपको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, मगर प्रोटेस्ट के बीच में हिंदुत्व की आप कब्र खोदने लग जाते हैं, अभी प्रधानमंत्री की कब्र खोद रहे थे और आप कह रहे हैं कि हमें चाहिए आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी, क्या दूसरा पाकिस्तान मांग रहे हैं क्या? नहीं, अगर जिनको आज़ादी चाहिए, अगर जिनको आज़ादी चाहिए, जिन्ना वाली अगर आज़ादी चाहिए तो एक बार सिर्फ पाकिस्तान में जा कर के देख लें कि क्या उनकी स्थिति है, तो उनके यहाँ पे इंडिया में जन्नत से अच्छा जगह कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? दुनिया में सबसे अच्छी जगह उनके लिए सिर्फ इंडिया में है, सिर्फ हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान। सर बोर्ड भी दिखते हैं जहाँ पर बोर्ड पे लिखा होता है कि मुसलमान हमारा भाई है, ब्राह्मण साला कसाई है, ये किस तरीके का शब्दों का प्रयोग है और सीए के विरोध में ये कहाँ से? ये कुछ अराजक तत्व लोग ही इस चीज का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मुस्लिम भाई भी, मैं भी हिंदू हूँ, मैं किसी को लिए ब्लेम नहीं करता हूँ, बट मुस्लिम भाई लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे CAA का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, और जो कुछ लोग जिन्हें बढ़ाया जा रहा है, जिनको CAA का मतलब ही नहीं मालूम है कि CAA होता क्या। सर सवाल ये नहीं है, CAA का सवाल नहीं है, सवाल ये है विरोध आप कीजिए, विरोध आपका संवैधानिक अधिकार है, मगर ब्राह्मण कसाई कहाँ से हो जाता है और आज़ादी आप जिन्ना वाली क्यों मांगने लग जाते हैं CAA के विरोध में?
नहीं तो उन लोगों को उतना अकल ही नहीं है ना, ब्रेन वॉश करके उनके माइंड में भर दिया गया कि भाई ऐसा ऐसा करना है, तो उन लोग वो सब कर रहे हैं जिनके खुद आजादी मांगी थे तभी पाकिस्तान बना। हाँ अब उन लोग आजादी, हाँ तो वो लोग यही चाह रहे हैं ना कि इंडिया के फिर टुकड़े कर दो उनको, जिन आजादी करके एक अलग राष्ट्र बसा के उनको वहाँ बसा दो, वो यही मांग रहे हैं। ब्राह्मण पे क्यों आ रहे हैं सर? ब्राह्मण कसाई हो गया सर, ब्राह्मण कसाई कैसे हो जाएगा? ब्राह्मण ब्राह्मण है और देश के अंदर अनेक जाति है, एक ब्राह्मण को भी लेके और किसी जाति के ऊपर टिप्पणी करना वो गलत बात है सर। जिन्ना वाली आजादी के जो ख्वाब देखते हैं वो ऐसा ख्वाब वो सोच जाए दिमाग से निकाल दें। अब भारत के टुकड़े कोई नहीं होने देगा, भारत की जनता लोग समझदार है, पढ़ा लिखा भारत है, इन्हें आजादी अच्छी तरह मिलेगी। पहले तो इनके शरीर से आजादी मिलेगी इन्हें, सबसे पहले कन्हैया एंड कंपनी को, जितने जेएनयू वाले और लेफ्ट वाले। दूसरी बात है इसी पंचवर्षीय योजना में जो 5 साल के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसी दिन किसी दिन 14-15 अगस्त की रात को बोलेंगे मित्रों बहनों भाइयों दिल्ली एनसीआर की सीमा कराची लाहौर रावलपिंडी तक हो गई है, तब इन्हें आजादी मिलेगी। जब हमारा अखंड भारत बनेगा दोबारा तब इन्हें आजादी मिलेगी। ब्राह्मण ब्राह्मण का ब्रा भी नहीं जानते, पूरे ब्रह्मांड को जो कास ला सकती है वो ब्राह्मण है। हम धर्म जात करना नहीं चाहते, भारत इतना उदार देश है, किसी भी भारत ने कभी भी किसी पर आक्रमण किया है, किसी देश पर आक्रमण किया है, किसी देश के नागरिक को आने से रोका है? कभी नहीं रोका। सिर्फ इस्लामिक कंट्री जब तुम्हारे 56-57 है वो उसमें क्या होता है, ये नॉन मुस्लिम के अलावा सबको ये हराम मानते हैं, और या तो इनका धर्म में आ जाओ नहीं तो हम उन्हें मार देंगे, ऐसा कुरान में लिखा है। ये ऐसे भ्रमित करते हैं अपने ही लोगों को, जो अपने ही लोगों को भ्रमित करता है उसे काय की आज़ादी चलेगी? कुरान पे सवाल उठा इस समय जो भी है, ये धार्मिक जो सवाल है ये जरूरी ये है कि इन प्रोटेस्ट में ये जो जिन्ना वाली आज़ादी मांगी जा रही है और ब्राह्मण को कसाई बताए, सीए के विरोध में इन सब चीज़ों को शामिल होने का आखिर मतलब क्या? मतलब नहीं है। गेट ऑफ इंडिया में अभी बॉम्बे में इनने जितने फिल्म स्टार हैं, हाँ कश्मीर की आज़ादी, फक हिंदुत्व लिखा हुआ एक लड़की ने गाल पे पेंट करके। अब तू जिस माँ से पैदा हुई है समझ ले तू उसी को गाली दे रही है। भारत माता को गाली देने का मतलब है तू अपनी माँ को गाली दे रहे हो, उसका अर्थ समझ लो पहले। फ्री इंडिया का इन्हें दाऊद के गैंग से इन्हें फंडिंग होती है फिल्म स्टारों को, इसलिए इतना बोले हैं। लेफ्ट वालों के तार चाइना तक जुड़े हुए हैं, वहां से इन्हें पैसा आता है इसलिए बोलते हैं। दीपिका जैसो की फिल्में वहीं से बनती हैं, वहीं से फंडिंग होती है, सिर्फ इसलिए बोलते हैं। आप क्या सोचते हैं सर, ये जो सारा मुद्दा होता है क्यों इसमें जिन्ना वाली आज़ादी आ जाती है और ब्राह्मण कसाई हो जाता है सर? ब्राह्मण कसाई इसलिए हो जाता है जिन्ना वाला आज़ादी मार रहे हैं, इन लोग आज़ादी मिल नहीं रही है। एक बार इस देश से इस मुल्क से मुक्त हो जाते आज़ादी मिल जाती, इसलिए आज़ादी जिन्ना वाली आज़ादी मांग रही है। सर जिन्ना की आज़ादी आई थी सर 1900 आज़ादी का कुछ नहीं पता मुझे सर, अभी इतना मालूम है आप कॉलेज के अंदर इलेक्शन बंद करा दो चुनाव, उसके बाद अगर ये कुछ एक भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है अगर हो जाए तो आप मुझे कह देना। सर आज जुम्मा है सर, आज जो प्रोटेस्ट सीए का विरोध चला है जामा मस्जिद में, वहाँ पे दिखता है सर कि मुस्लिम हमारा भाई है, मुस्लिम हमारा भाई है, ब्राह्मण कसाई है सर। कुछ भी नहीं है, क्लियर राजनीति हो रही है, क्लियर ये नहीं होनी चाहिए। ये हो रहा है डिवाइड एंड रूल, आप क्या कर रहे हो, एक समुदाय पकड़ ले रहे हो जो अनएजुकेटेड है जिन्हें कुछ पता नहीं है, उनको आप ये भड़का रहे हो। पहले तो आप जो वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहले उनसे आप फुल फॉर्म पूछो भाई है क्या का नहीं पता सर, नहीं पता टीवी पे तो दिखता है, तो उन्हें कौन भड़का रहा है? तो ये जो जिन्ना वाली आज़ादी और ये वो देश छोड़ो ये वो जो भी चल रहा है ये सब है लेफ्ट का, कांग्रेस है, जितने भी एंटी बीजेपी पार्टीज हैं। इसमें जिन्ना वाली आज़ादी मतलब पाकिस्तान वाली जो मांग रहे हैं, 1947 में भी आज़ादी मांगी थी तो पाकिस्तान पैदा हुआ, अब कह रहे हैं कि मुसलमान हमारा भाई है, जो ब्राह्मण है साला कसाई है, ये किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? किस तरीके जिनको ऐसा लग रहा है वो देश छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं, रह क्यों रहे हैं जब उन्हें इतनी पार्शियलिटी लग रही है? अगर जाओ ना एक बार पाकिस्तान और बोल के दिखाओ पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडिया में जितना तुम्हें मिल रहा है क्या कहते हैं आपको जितनी फ्रीडम है उतना नहीं मिल रहा है आपको, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ आपको मिला हुआ है राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बकवास बोलो, कोई कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। इनका सीधा सीधा एक ही तरीका है, इनको पकड़ो और बंद कर दो, उसके बाद ही आएंगे होश में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हम आपने जनता की राय सुनी, हम भी आपकी राय जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर लेके जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हम कहते हैं कि हाँ आपका संवैधानिक अधिकार है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, सीए एनआरसी जिसे भी आप लेके प्रोटेस्ट करते हैं आपका ये संवैधानिक अधिकार है, मगर इस संवैधानिक अधिकार में आखिर जिन्ना वाली आज़ादी मांगने का तर्क क्या बनता है और ब्राह्मण कसाई क्यों हो जाता है? मुसलमान हमारा भाई है, ब्राह्मण कसाई है, वो शब्द इन इस तरीके के शब्दों का आखिर क्यों प्रयोग होता है
और सीए का विरोध क्या अब देश विरोध में बदल चुका है क्या? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुँचाइए। और अगर अभी भी हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपके फॉलो से ही हमें ताकत मिलती है। आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, वही हमारी ताकत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।